डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 वेव्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव्स में डिफरेंसेस ये आपके सामने वाजे तौर पे लिख दिए हैं। द वेव्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिस्टरबेंस इन द medium and can travel from one point to the other are known as progressive or traveling waves. तो इसकी खासियत ये है कि ये medium में एक जगह से दूसरी जगह travel कर सकती है और energy को लेके जा सकती है, इसको हम progressive wave कहते हैं। जबकि stationary waves जो हैं ये दो two waves with same frequency कंपेरेटिव एम्पलीट्यूड आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ऑपोजिट चल रही होती है और सुपरपोज करती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। दूसरा डिफरेंस है कि प्रोग्रेसिव वेव्स कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, जबकि इसके मुकाबले में स्टेशनरी वेव्स नोड्स और एंटी नोड्स पे मुश्तमिल होती हैं। तीसरा डिफरेंस है, these waves travel away from the source of disturbance, जबकि जो stationary waves हैं ये stand करती हैं fixed points के दरमियान, आपको रुकी भी नजर आती हैं, हालांकि उसके ऊपर वो travel कर रही होती हैं back and forth, लेकिन रुकी भी नजर आती हैं। Number 4 है, these waves transfer energy from one place to another, जबकि इसके मुकाबले में स्टैंडिंग वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती, वो होल्ड करके रखती है एनर्जी। नंबर 5 है, फॉर एग्जांपल व्हेन अ पेबल इज ड्रॉप्ड इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर, पानी में पत्थर फेंकें तो आपको प्रोग्रेसिव वेव्स बन के चलती हुई नजर आएंगी, जबकि इसके मुकाबले में जब हम विगल करते हैं कॉर्ड को, ये स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, विगल आप इस तरह लिखेंगे WIGGL। तो उसमें कॉर्ड में वेव सेटअप होंगी, तो ये डिफरेंट है उससे, और ये रिफ्लेक्शन लेंगी मीडियम में से जाके, द इनकमिंग वेव्स एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स ये ओवरलैप करेंगी और फिर स्टैंडिंग वेव बनेगी। सो दीज आर द 5 डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स के दरमियान डिफरेंस जो है ये हमने बताना है। तो ट्रांसवर्स वेव्स में वाइब्रेशंस पार्टिकल्स की परपेंडिकुलर होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव में पैरेलल होती है, उसकी जो प्रोपेगेशन है उसकी डायरेक्शन से पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये दो डिफरेंस है। ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट और ट्रफ पे मुश्तमिल होती हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंप्रेशंस और रेफ्रेक्शंस पे मुश्तमिल होती हैं। प्रेशर वेरिएशन कोई नहीं होती ट्रांसवर्स वेव्स में, और यहाँ पे प्रेशर चेंज होता है, मसलन कंप्रेशन पे प्रेशर मैक्सिमम होगा और रेफ्रेक्शन पे मिनिमम होगा। वाटर वेव्स एंड वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग, ये इसकी एग्जांपल्स हैं, जबकि साउंड वेव्स एग्जांपल हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। ट्रांसवर्स वेव्स पोलराइज हो सकती हैं, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये पोलराइज नहीं हो सकती। दीज आर 5 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें आपने देखा है कि अक्सर जब ये लाइव कंसर्ट कर रहे होते हैं तो जिनके इंस्ट्रूमेंट्स वायर वाले होते हैं, इसको जैसे मेटल वायर होती है गिटार में, सितार में और वायलिन वगैरह में, तो ये उसको पहले टाइट या लूज कर रहे होते हैं, तो वो कैसे कि कीबोर्ड से स्टैंडर्ड टोन को सुन के फ्रीक्वेंसी की और उसके बाद उसकी वो एडजस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह बीट्स यूजफुल हैं कि उसके जरिए प्रॉपरली सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपस में ट्यून अप हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
two wave pulses traveling in opposite direction completely cancel each other as they pass. What happens to the energy possessed by the waves? The waves will always obey law of conservation of energy. तो जब पार्टिकल वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचते हैं तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब मीन पोजीशन पे पहुंचते हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. व्हेन टू वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ओवरलैप एट सम पॉइंट दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड एट द इंस्टेंट होल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू काइनेटिक एनर्जी. आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे विल रीगेन देयर ओरिजिनल एनर्जी एंड कंटिन्यू टू मूव विद इट. So cancelling means that potential energy becomes zero and all the energy is kinetic energy. Question number 5 hai, what are the conditions of constructive and destructive interference? So constructive interference or destructive interference mein kya conditions aati hain? Jaise two waves must be phase coherent, inka phase ek hona chahiye. जैसे एक वेव जो है वो जीरो डिग्री एंगल पे है तो दूसरी भी जीरो डिग्री एंगल पे है, जब वो 90 पे पहुंचे तो दूसरी भी 90 पे पहुंचे. तो इनका फेज कोहेरेंट को आप यूं समझ सकते हैं कि मैं दो वेव्स का इकट्ठा बना रहा हूं. एक वेव जब यहां से यूं जा रही है तो दूसरी भी उसी टाइम पे यूं जा रही है. तो ये इनका फेज सेम है. फेज में फर्क आ जाएगा तो फिर इनके कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न चेंज हो जाएगा. दे मस्ट अराइव एट द सेम प्लेस एट सेम टाइम. ये आपको बना के दिखाया है. द टू वेव्स मस्ट बी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. तो ये मेरी वाली जो फिगर बनाई है इसमें देखें एक ही डायरेक्शन में चल रही है. द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन यानी ओवरलैपिंग इनकी जो है ये होनी चाहिए. अब इसके लिए फिर फार्मूले बन जाते हैं. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये फार्मूला है पाथ डिफरेंस का, d इज इक्वल टू m लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए m प्लस हाफ लैम्डा, या इसको 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 भी लिख सकते हैं फार्मूले को. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ माइट वन कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. तो नोड्स और एंटी नोड्स की लोकेशन कैसे पता चलेगी? नोड्स वो पॉइंट हैं जहां पे वाइब्रेशन जीरो हो जाती है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जीरो होता है, और एंटी नोड्स वो पॉइंट हैं जहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाता है. ये दो चीजें आप याद रखें. तो ये इसकी पहचान है कि नोड कहाँ पे होता है और एंटी नोड कहाँ पे होता है. क्वेश्चन नंबर 7 है, Is it possible for an object which is vibrating transversely to produce sound waves? Yes, transverse waves भी अपने इर्द-गिर्द में जो है वो push कर रही होती है particles को. तो जब air particle को ये push करते हुए टकराएंगे तो air particle further compress होंगे अपने surrounding medium में. तो जब वो compress होंगे और आगे फिर वो rarefy होंगे तो ऐसी सूरत में sound wave बन जाएगी. Yes, it is possible. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज अ साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन इन गैसेस. ये देखें इस फार्मूले में लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ द मीडियम के स्क्वायर रूट के अंदर. तो जब सॉलिड्स में हमने देखा है कि डेंसिटी ज्यादा होती है गैसेस की निस्बत, लेकिन इसी टाइम पे उनकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये है कि वो बर्दाश्त करने की सलाहियत जब उनके ऊपर कोई ऐसी फोर्स आए जो उनको डीफॉर्म कर सके, उनकी शेप को चेंज कर सके. तो गैसेस तो फौरन डीफॉर्म हो जाती हैं, फिर रीगेन भी करती हैं अपनी शेप को. लेकिन आप अगर एक फूंक भी मारें तो एयर के मॉलिक्यूल्स उड़ के वो दूर 100 मीटर दूर चले जाएंगे. तो इस तरह इलास्टिसिटी भी सॉलिड्स की ज्यादा है, डेंसिटी की भी ज्यादा है, लेकिन इलास्टिसिटी का फैक्टर चूंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ट्रैवल करती है ज्यादा फास्टर सॉलिड्स के अंदर एज कंपेयर टू गैसेस. क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ गैस चेंजेस विद टेम्परेचर। तो इसको यहाँ पे हमने पूरा आंसर इसलिए दे दिया कि ये आगे की स्लाइड्स में भी ये सेम आंसर चल रहा है, पूरा टॉपिक ही लिख दिया। वो ये है कि अगर ये सेम क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स के लिए फेडरल बोर्ड के पेपर में आ रहा है तो शक ये है कि ये एक दफा आ चुका है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा। शॉर्टली आप लिखें तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि एस स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। और उसके लिए जो एग्जैक्टली फार्मूला आखिर पे लिखा हुआ है वो लिख के आप इसको शॉर्टली ख़त्म तो कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर को कि वी इज इक्वल टू 332 प्लस 0.61 टी। लेकिन मशवरा यही है कि इसमें इसको पूरा लिखा जाए क्योंकि बोर्ड में एक बार ये ऐसा 3 मार्क्स के लिए आ चुका है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको मुकम्मल लिख दिया है। ये वही टॉपिक है, इसको इसलिए मैंने समझा नहीं रहा। शॉर्टली किसी ने लिखना है तो बस ये 2 स्टेप्स लिख के उन्हें बता दे कि एज स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और उसका ये रिजल्ट फाइनली आ जाता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाई टेम्परेचर्स के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इज इट पॉसिबल फॉर 2 एस्ट्रोनॉट्स टू टॉक डायरेक्टली टू वन अनदर इवन इफ दे रिमूव देयर हेलमेट्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि साउंड वेव का कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सूरत में ट्रेवल करना वैक्यूम के अंदर, स्पेस के अंदर पॉसिबल नहीं, वहाँ मीडियम मटेरियल मीडियम नहीं है। तो मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करते हैं, बल्कि ये ख़तरनाक होगा दूसरी सूरत में। हेलमेट जैसे ही रिमूव करेंगे तो वहाँ चूँकि प्रेशर नहीं है तो बॉडी का इंटरनल जो प्रेशर होता है जिसे ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, वो बाहर प्रेशर ना होने की वजह से अंदर प्रेशर आपकी जिल्द को और वेन्स को जो है वो बर्स्ट कर देगा, फाड़ देगा, और खून सारी जगह से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी का स्पेस लिबास उतार दिया जाए स्पेस में ले जाके तो वो ब्लास्ट कर जाएगा पर्सन उस प्रेशर की वजह से, ब्लड प्रेशर की। तो हमारा ब्लड प्रेशर बैलेंस हो रहा होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर के साथ यहाँ ज़मीन के ऊपर। तो हेलमेट उतार के बाद ना करने की बेसिक रीजन तो ये है कि वहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव बन ही नहीं सकती, मटेरियल मीडियम ही नहीं है। लेकिन दूसरी सूरत में ये खतरनाक काम है स्पेस में जाके कि आप उधर जाके जब ये ऐसे लिखेंगे ऐसे करेंगे तो फिर आप का जो है वो अपना ब्लड बर्स्ट करके बाहर आ सकता है। इसी तरह आपने देखा है कि जो ये ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो इनके आप अगर चेहरों को देखें तो वो ज़्यादा आपको ब्लडी से नज़र आते हैं, उनके ऊपर लाल रंग ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि वहाँ वो वेन की तरफ बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है और हाइट्स पे वैसे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और ब्लीडिंग भी कई बार इनको स्टार्ट हो जाती है जो हाइकिंग करते हैं पहाड़ों पे ऊपर जाके, तो वो ऊपर चूँकि प्रेशर कम होता है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है नाक से ख़ासतौर पर। लास्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसीज एट विच अ टेस्ट ट्यूब 15 सेंटीमीटर लॉन्ग रेजोनेट्स व्हेन यू ब्लो अक्रॉस इट्स लिप्स। तो चूंकि टेस्ट ट्यूब वन एंड क्लोज होती है तो वन एंड क्लोज होने की वजह से इस पे वो क्लोज पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप वाला फार्मूला लगेगा। लेंथ को मीटर में चेंज कर लिया 0.15 मीटर और स्पीड ऑफ साउंड हमने खुद ले ली एवरेजली 340 मीटर पर सेकेंड लेते हैं क्योंकि हर जगह पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो नहीं होता। तो इसके जो कैलकुलेशन है पहले फार्मूले की वो अगर आप करें, यहाँ पे फार्मूला लिखना भूल गए मैं, लिख देता हूँ। इसमें आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है NV/4L। तो V भी गिवन है और L भी, N की जगह 1 लिखें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 340
over 4 into 0.15. तो फिर ये आंसर आपके पास आएगा 567 हर्ट्ज। F2 होगा 3F1, तो 3F1 मल्टीप्लाई करेंगे 1701। F3 होगा 5F1, 2835 हर्ट्ज। F4 होगा 7F1, ये ऑड नंबर पे चलेगा और जनरली इसका फार्मूला ये बन जाएगा। होपफुली आपको तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे समझ आ गए होंगे।